हिंद, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने शहडोल में किया जंगी प्रदर्शन, और अगर ऐसे ही प्रदर्शन होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अतिथि शिक्षक भी विभागीय परीक्षा लेकर नियमित होंगे। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को अभी मानदेय नहीं मिला है। लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं उचित मात्रा में, और जब रोजगार सहायकों को मुख्यमंत्री नियमित कर सकते हैं तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं। आपको बताना चाहता हूं, जब अतिथि शिक्षकों ने मांग की थी तो रोजगार सहायक और अतिथि शिक्षकों का एक ही आदेश सामान्य प्रशासन विभाग का आया था दोस्तों, जिसको लेकर लगातार अभी तक सारे अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा अपडेट है मेरे भाइयों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। समय जगत भोपाल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने में अग्रणी एवं सराहनीय भूमिका निभाने वाले अतिथि शिक्षकों ने अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर एक बार जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद की है। शहडोल में सभागार में एकत्र हुए अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण संगठनात्मक एवं आंदोलनात्मक बैठक शहडोल में गांधी स्टेडियम में अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के संभागीय अध्यक्ष शरद प्रकाश तिवारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नौकेलाल तिवारी आदि की उपस्थिति में संपन्न हुई है, जिसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले के अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक इस संकल्प के साथ उपस्थित हुए। हम अपने नियमितीकरण की मांग अवश्य पूरी कराएंगे तथा यथाशीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश की राजधानी भोपाल में उग्र आंदोलन सहित कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस बैठक में संपन्न होने के पश्चात गांधी स्टेडियम और शहडोल कलेक्ट्रेट तक रैली निकालते हुए कलेक्टर प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ध्यान अतिथि शिक्षकों को दुर्वस्था की ओर एक बार पुनः आकृष्ट कराते हुए कहा गया है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती के कारण विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रहे अतिथि शिक्षक सेवा से बाहर हो गए हैं, ऐसे में अनेक समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति में अतिथि शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की तर्ज पर वर्ष भर सभी 12 माह की सेवा गारंटी तथा 62 वर्ष तक सेवा से बाहर नहीं किए जाने के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही प्रदेश के गुरुजियों की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को भी स्थायित्व प्रदान किया जाए। शहडोल अतिथि शिक्षक संघ के कार्यक्रम की दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ रही तथा सुहागपुर थाना प्रभारी अनिल पटेल पुलिस टीम के साथ एकत्र रहे। ब्यौरी के वरिष्ठ अतिथि शिक्षक धीरेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि शहडोल के गांधी स्टेडियम में आवश्यक संगठन एवं आंदोलनात्मक बैठक व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने में अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के संभागीय अध्यक्ष शरद प्रकाश तिवारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नौकेलाल तिवारी, संभागीय संरक्षक संजीव शर्मा, पूर्व संभागीय अध्यक्ष नीरज शर्मा, राजेश नारायण त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष अनूपपुर मनलाल साहू, जिला अध्यक्ष उमरिया सुभाष गुप्ता, बिहोरी ब्लाक अध्यक्ष विजय द्विवेदी, बुढ़ार ब्लाक अध्यक्ष संदीप पांडे, मानपुर ब्लाक अध्यक्ष समलाल पाल, करकेली ब्लाक अध्यक्ष कपूर चंद साहू, संगठन की महिला विंग जिला अध्यक्ष प्रेमा प्रजापति, राहुल तिवारी, सचिदानंद शुक्ला, रोहित मिश्रा, विनय द्विवेदी, प्रकाश पांडे, सरिता पाठक, रागनी त्रिपाठी, आरती सहित बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक शामिल रहे। गांधी स्टेडियम में आयोजित बैठक का संचालन अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के बिहोरी ब्लाक उपाध्यक्ष गौरव प्यासी ने किया। बड़ी मांग है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इन सभी अतिथि शिक्षक भाइयों को, इन सभी अतिथि शिक्षक मित्रों को। ऐसी ही आवाज़ उठाते रहिए, आपका दिन वो दूर नहीं होगा जब सब कुछ आपके हाथ में होगा। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी अपडेट लगातार उठा रहा हूँ, 40% 50% क्राइटेरिया को लेकर, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर, अतिथि शिक्षकों की जो मानदेय से संबंधित परेशानी है उसको दूर करने को लेकर आप सभी की मदद में लगा हुआ हूँ मेरे भाइयों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।